पता नहीं इसको कॉल कर रहा है बार बार। लॉकअप सीजन 1 की सेकंड रनर अप रही अंजलि अरोड़ा को कौन कर रहा है अननोन नंबर से कॉल? अपनी लाइव वीडियो में आखिर किसका जिक्र कर रही थी अंजलि अरोड़ा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्म बीट। वेल, अंजलि अरोड़ा की बात करें तो लॉकअप में आने से पहले भी अंजलि अरोड़ा काफी पॉपुलर थी। टिकटॉक सेंसेशन अंजलि अरोड़ा जब से लॉकअप का हिस्सा बनी तब से तो उनकी पॉपुलैरिटी में जैसे चार चांद लग गए हों। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि लॉकअप में उनका और मुनव्वर का बॉन्ड काफी फेमस हुआ था, जिसके बाद फैंस ने दोनों को मुंजलि नाम से बुलाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि अंजलि अरोड़ा लॉकअप से आने के 2-3 दिन बाद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक्टिव हुई, लेकिन एक बार भी लाइव नहीं आई थी। वेल, अभी कल ही अंजलि अरोड़ा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपने फैंस से इंटरेक्ट करने के लिए लॉकअप के बाद पहली बार लाइव आई थी, लेकिन इस बीच उनको किसी वजह से अपने लाइव को जल्द ही दी एंड करना पड़ा। जी हाँ, तो चलिए हम आपको बताते हैं आखिर वो वजह क्या है जिसके चलते अंजलि अरोड़ा अपने फैंस से ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाई। वेल, अंजलि अरोड़ा ने अपनी लाइव वीडियो के बाद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ चीजें पोस्ट की, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि जब वो लाइव थी तब उनके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे, जिसके चलते वो ज्यादा देर तक लाइव नहीं रह सकी और उनको लाइव एंड करनी पड़ी। आपको बता दें कि अंजलि अरोड़ा जैसे ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लाइव आई, उनके लाखों फैंस उनकी लाइव देखने के लिए पहुंचे और इसके साथ ही उनको लॉकअप की सेकंड रनर अप बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। लेकिन इस बीच कुछ फैंस ने मुनव्वर का भी जिक्र किया, लेकिन मुनव्वर के क्वेश्चंस को अंजलि अरोड़ा ने इग्नोर कर दिया और कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन इसके बाद अंजलि अरोड़ा के फोन पर कुछ अननोन नंबर से कॉल आ रहे थे, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में किया है और उन्होंने कहा है कि पता नहीं कौन उनको परेशान कर रहा है। वेल, फैंस का रिएक्शन इस बात पर काफी ज्यादा फनी भी है। अगर आप ट्विटर को चेक करेंगे तो अंजलि अरोड़ा की लाइव पर लोग काफी कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं, क्या ये मुनव्वर तो नहीं है जो आपको छुपके छुपके परेशान कर रहा है नाजिला से बचकर? आपको बता दें कि अंजलि अरोड़ा और मुनव्वर फारूकी का बॉन्ड लॉकअप में काफी अच्छा था, लेकिन लॉकअप के बाद दोनों को अभी तक एक साथ नहीं देखा गया है। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए भी नजर आते हैं और एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो तक नहीं करते। अब ये बात मुंजलि फैंस को काफी ज्यादा खटकती है, क्योंकि अब मुंजलि से मुनव्वर मुनाज हो चुके हैं और इसी बात के चलते कई बार फैंस मुंजलि और मुनाज का कंपैरिजन करते हुए भी नजर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुनाज इज बेस्ट, तो कुछ कहते हैं कि मुंजलि को हम आज भी मिस करते हैं, तो वहीं कुछ लोग दोनों के साथ में इंटरव्यू के लिए बेसब्र हैं। लेकिन अंजलि अरोड़ा और मुनव्वर फारूकी इंटरव्यू तो छोड़ो, लॉकअप की सक्सेस पार्टी में भी एक दूसरे से नजरें चुराते हुए नजर आए थे। वेल, फिलहाल तो दोनों अपने अपने पार्टनर्स के साथ काफी खुश हैं। इनफैक्ट अंजलि अरोड़ा तो अभी कुछ दिनों पहले अपने बॉयफ्रेंड और अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप मनाने भी गई थी, तो वहीं मुनव्वर भी नाजिला के साथ पहला म्यूजिक वीडियो निकाल चुके हैं, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हैं और फैंस भी उनके इस म्यूजिक वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। फिलहाल तो अंजलि प्रॉब्लम में है, क्योंकि किसी अननोन नंबर से उनको लगातार कॉल आ रहे हैं। वेल, हम तो यही हिदायत देते हैं कि अंजलि आप अपना नंबर चेंज कर दीजिए, वरना आपके फैंस आपको जीने नहीं देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप मुंजलि का बॉन्ड जो है वो मिस करते हैं तो किस तरह से आप उसकी भरपाई कर रहे हैं, और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अंजलि को कौन कॉल कर रहा होगा। इसके साथ ही फिल्म बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।